जय हिंद प्यारे साथियों, आज बहुत लेटेस्ट अपडेट जो 12वीं विद्यार्थी पास हुए हैं और जिन्हें गाइस लैपटॉप मिलने वाला है, तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे आपको लैपटॉप मिलेगा और आपको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका भी बताऊंगा। आप अपने घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा और फिर उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे हम कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो 12वीं वाले विद्यार्थियों को, उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को अभी 25,000 प्रोत्साहन राशि और मेधावी छात्र का आपको मिलेगा प्रमाण पत्र। तो गाइस मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कितने परसेंट वालों को मिलेगा लैपटॉप। तो गाइस ये भी जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो के अंत में कि कितने परसेंट वालों को मिलेगा लैपटॉप। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, यह वीडियो बहुत ही मोटिवेट होगा। फ्री लैपटॉप योजना जो पुनः प्रारंभ कर दी है श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2019 और 20 वाले स्टूडेंट के लिए, और 2018 से 19 वाले स्टूडेंट के लिए भी यह योजना अभी प्रारंभ नहीं की गई, पर मैं इसके लिए भी वीडियो लाऊंगा। आपको कुछ परेशानी हो तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइएगा और जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। जैसे कि दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर मेधावी छात्र को 25,000 रुपए का चेक राशि दी जाती है। तो अभी जो है गाइस लैपटॉप पहले मिलता था, पर अभी जो है आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, एक चेक मिलेगा और उसमें आपको 25,000 रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा साफ साफ आपको कि यह जो है राशि कैसे प्रदान कर रहे हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करूंगा आज का वीडियो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो चलिए बने रहिए आप लोग अंत तक। गाइस मैं अभी बात करूंगा पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। गाइस यह जो है, यह जो मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा। तो यह देखिए गाइस, यहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। यह 2019 में रजिस्ट्रेशन किया है और अभी 2020 का है, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा मैं बताऊंगा, पर आपको पहले बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले। देखिए गाइस, आधार कार्ड लगेगा आपको और डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, मतलब यह आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा और 12वीं की मार्कशीट लगेगी और बैंक पासबुक लगेगी। देखिए गाइस आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले जाएंगे हम लोग शिक्षा पोर्टल पर। किस पर जाएंगे? शिक्षा पोर्टल पर जाएंगे और वहां पर एक लैपटॉप योजना ऐसा लिखा होगा, तो मैं अभी आपको करके बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और देखिए देखिए गाइस यहाँ पर लैपटॉप जो है पोर्टल, इस पर अपन लोग क्लिक करेंगे, देन उसके बाद वाली प्रोसेस क्या होगी? तो इसके बाद वाली प्रोसेस होगी योजना। यहाँ पर आपको दिया रहेगा योजना, तो इस योजना पर हम लोग क्लिक करेंगे, देन उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके से सरफेस आपको ऑन होगा, तो उसमें क्या होगा, पेमेंट की स्थिति जानने को आपको मिलेगी। इसके बाद की प्रोसेस होगी गाइस आपके लिए, इसके बाद आपको पूछा जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका स्कूल। अब उसको आपको और इस कैप्चा को आपको फिल करना है। यहाँ पर कैप्चा रहेगा, यहाँ पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा गाइस आपका जो स्कूल का नाम और आपकी पूरी डिटेल खुल जाएगी, जिसके बाद आपको जो भी स्टूडेंट है जिनका भी नाम होगा इस लिस्ट में, तो उन्हें डायरेक्ट जो है जिनके परसेंट ज्यादा होंगे तो उन्हें गाइस जो है लैपटॉप योजना का लाभ मिलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करूंगा अब कि आपको कैसे कैसे इस फॉर्म को फिल करना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो देखिए मैं जाऊंगा गाइस शिक्षा पोर्टल पर, आपको सिलेक्ट करना है शिक्षा पोर्टल। तो मेरे पास साइड ऑन है शिक्षा पोर्टल की। देखिए शिक्षा पोर्टल आपको लिखना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा तो विद्यार्थी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शिक्षा पोर्टल जैसे ऑन करूंगा मैं शिक्षा पोर्टल के साइड पर, देखिए मैंने जैसे कि अभी बताया आपको कि आपको कैसे करना है। चलिए अभी जो है थोड़ी साइट स्लो चल रही है क्योंकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लॉग इन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देखिए गाइस शिक्षा पोर्टल ऑन हो चुका है, मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसकी मेन साइट पर आ चुके हैं हम होम पेज पर। देखिए मैंने बताया था आपको कि लैपटॉप योजना ऐसा सर्कल बना था वहां पर, और वहां पर आपको क्लिक करना है, तो इस लैपटॉप जो है जो लैपटॉप का सिंबल बना है और जहां लैपटॉप लिखा है वहां पर आपको क्लिक करना है, देन हमने क्लिक कर दिया है। तो देखिए इसके बाद वाली सर्फेस जो आपका ऑन होगा, चलिए ऑन हो रहा है गाइस, थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। देखिए गाइस सर्वर थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। चलिए एरर तो आएगा गाइस, बहुत से विद्यार्थी लोग जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं। देखिए गाइस अब यह योजना के बारे में हमने जानकारी आपको दे दी है, अब यह रजिस्ट्रेशन के बारे में हमको जानकारी मिल रही है। देखिए गाइस ऐसा एक सरफेस आपके लिए ऑन हो चुका है और यहाँ पर लिखा गया है होम पेज, योजना, पात्रता जाने, ई भुगतान की स्थिति, खाता संख्या जाने, शिकायत और संपर्क। तो हम क्लिक करेंगे योजना पर।
देखिए गाइस योजना पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ क्यों नहीं दिया है उसकी भी मैं जानकारी अभी दूंगा आपको। देखिए गाइस आपको पात्रता जाने मतलब गाइस यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको नीचे अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है और आपकी पात्रता के हिसाब से आपको जो है पेमेंट आपके खाते में आ जाएगा। आपको कुछ शिकायत दर्ज करना है तो गाइस यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी है और यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी है। तो गाइस ऐसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी यह बता दूं गाइस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्यों स्टार्ट नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पर अभी एरर चल रहा है और बहुत सी समस्या आ रही है, इसलिए यहाँ पर जो है अभी रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट नहीं हुए। तो गाइस ऐसे ही आपको जाना है साइट पर और जो है जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करना है और इस योजना का लाभ उठाना है। आपको कुछ परेशानी होगी और फॉर्म ना फिल हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स में हम लोग आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो गाइस ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज जो आपके लाता रहता हूं मैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत से विद्यार्थी वेट कर रहे हैं कि सर योजना का लाभ कब मिलेगा। तो गाइस ये अंतिम वीडियो है, अब आपको योजना का लाभ जरूर मिलेगा। और आपको परसेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करें। तब तक मैं आपके लिए और लेटेस्ट अपडेट निकालूंगा। तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।